नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपीएल में क्या लेवल्स होगा जिस पर हम सब स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यूपीएल क्या कर रहा है। ठीक है, यूपीएल अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है। अब यूपीएल जो है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने जा रहा है, तो किस तरह से इसमें स्विंग ट्रेड बन सकता है। तो स्विंग ट्रेड के लिए जो है, स्विंग के लिए जो है, अब ध्यान दीजिएगा, पहला ये दो एरिया आप लोग के लिए निकाला हुआ है। वन आवर के टाइम फ्रेम में दो एरिया है। सबसे पहला, ये अगर कल के दिन या फिर ये कभी भी 703 से 689 का ये जोन है, ठीक है, और एक जोन है 668 से 655 का, ठीक है, ये जोन होगा रिस्की के लिए और ये जोन होगा सेफ के लिए। ठीक है, आप लोग खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि आप सब रिस्की हैं या सेफ है, उसी मुताबिक आप लोग ट्रेड कीजिएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यदि कल के दिन नीचे ना आकर के जो है कल के दिन ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है, 703 के ऊपर का 1 आवर के टाइम फ्रेम का क्लोजिंग देता है, ठीक है, ऐसे क्लोज कर देता है, और नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को अगर ब्रेक अगर कर देता है, उस परिस्थिति में तो आपका सेफ वाला ट्रेड एक्टिव हो जाएगा, यहां पे एक्टिव हो जाएगा, स्विंग ट्रेड आपका एक्टिव हो जाएगा विद स्टॉप लॉस 689 के नीचे। यदि कोई एक घंटा का कैंडल का क्लोजिंग मिल जाए, आप मान लिया जाए ट्रेड ले लिए बाई साइड का, आपका टारगेट नहीं है और नीचे आ गया, ठीक, वैसे परिस्थिति में 689 के नीचे एक घंटा के कैंडल का क्लोजिंग हो जाए और उस क्लोजिंग वाला जो कैंडल है उसके लो को ब्रेक कर दे, जैसे ही लो ब्रेक करेगा आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। ये सिनारियो स्टॉप लॉस का है और ये सिनारियो जो है एंट्री का है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट सिनारियो है। अब आता है बात की सेकेंड सिनारियो क्या हो सकता है। मार्केट यहां पे रेसिस्टेंस लेकर के यहां तक आए और इस जोन तक आए, ठीक है, यदि इसी फ्लो में अगर गिर जाता है तब तो ट्रेड नहीं उठाना है। यदि यहां पे आपको होल्ड करते हुए नजर आता है या फिर कुछ पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, उस परिस्थिति में या तो बुलिश कैंडल कोई बन जाए, कोई भी बुलिश कैंडल बन जाए इस जोन के पास 668 से 655 के पास, ठीक है, गिरते हुए आया और यहां पर एक सपोर्ट लेते हुए दिख जाए, इस जोन के पास सपोर्ट लेते हुए दिख जाए 668 से 655 के पास आपका सपोर्ट लेते हुए दिख जाए, उस परिस्थिति में कोई भी बुलिश कैंडल अगर बनता है तो उसके हाई पर जैसे ही हाई ब्रेक होगा उस बुलिश कैंडल का, वैसे ही आप बाई कर लीजिएगा। ये रिस्की ट्रेडर के लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज बता रहे हैं रिस्की का है, सेफ का ये वाला था, ये कंडीशन सेफ का है, ठीक है। तो यहां पे कोई भी बुलिश कैंडल अगर बनते हुए नजर आता है और उस बुलिश कैंडल के हाई को अगर ब्रेक कर देता है, उस परिस्थिति में आपका बाई बन जाएगा, पहला सिनारियो। दूसरा सिनारियो, या तो मार्केट जो है यहां से गिरावट दिखाए और इस जगह पे कोई चैनल का फॉर्मेशन करते हुए नजर आए, कोई भी चैनल, ऐसा कोई चैनल है या कुछ भी कोई चैनल का फॉर्मेशन, और तब ये ब्रेकआउट करे उस चैनल का, तब आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस 655 के नीचे एक घंटा के कैंडल का क्लोजिंग और उसके लो को ब्रेक कर दे, तो ये जैसे ही लो को ब्रेक करेगा यहां पे इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो सिनारियो है, ये किसके लिए है, ये रिस्की ट्रेडर के लिए, जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेना जो है जानते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, ये सेफ ट्रेडर के लिए। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कौन सा पार्ट आपका रिस्की ट्रेडर के लिए है, कौन सा पार्ट सेफ ट्रेडर। अगर आप चाहे तो यहां पे अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा बनेगा, रिस्क आप जब लेंगे तो प्रॉफिट भी बड़ा बनेगा, यहां जब ट्रेड बनाएंगे तो आपका प्रॉफिट रिस्की के अपेक्षा कम होगा, तो यहां पे सेफ भी होगा यहां पे रिस्की होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लेवल्स हम बता रहे हैं, क्या लेवल्स होगा। सबसे पहले आपको जो लेवल्स बता रहे हैं वो सेफ ट्रेडर का बता रहे हैं, जो सेफ ट्रेडर है, ठीक है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपका एंट्री भी जो है 1 आवर के ही टाइम फ्रेम में होगा और स्टॉप लॉस भी आपको जो लेना होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही लेना होगा, ठीक। तो आपका एंट्री पॉइंट कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, एंट्री आपका होगा यहां पे सेफ ट्रेडर के लिए 703 एंट्री पॉइंट जो आपका जो होगा वो 703 के ऊपर, 703 के ऊपर एवं 1 आवर के कैंडल का क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, ये आपका एंट्री होगा। मतलब कि
यहां पे कोई भी एक घंटा के टाइम फ्रेम हम आपको बता रहे, देखिए देखिएगा ऐसा ही बनेगा अगर सेफ ट्रेडर का एंट्री लेना होगा तो। एक घंटा का ये कैंडल है, एक कैंडल ये बन गया, ऊपर जाकर के क्लोजिंग दे दिया, ठीक। नेक्स्ट कैंडल जो है ये हाई, ये वाला हाई जैसी ब्रेक करेगा आप एंट्री बना लीजिएगा, ठीक। तो जैसी ये वाला पोजीशन एंट्री का हो गया, ठीक है, मान लिया जाए एंट्री हो गया। अब आता है क्या कि टारगेट तो बाद में आता है, लेकिन सबसे पहला आता है क्या, आपका स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस आपका है सेफ ट्रेडर का वो आपका 689 के नीचे, ठीक है, बिलो 1 आवर कैंडल क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस कैसे होगा, मान लिया जाए कि मार्केट जो है ऊपर ना जाकर के नीचे आने लगा, ठीक, उस परिस्थिति में 689 के नीचे कोई भी एक घंटा के कैंडल का क्लोजिंग कर दे, ठीक, ये जो कैंडल है वो 1 आवर का है, ये वाला कैंडल, ठीक, क्लोजिंग कर दिया, उसका जो लो पॉइंट होगा वहां पर स्टॉप लॉस को प्लेस कर लीजिएगा, जैसे ही इसका लो ब्रेक हो वैसे ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये वाला चीज जो है स्टॉप लॉस हो जाएगा ऐसे, ठीक। अब आता है पॉइंट कि टारगेट क्या होगा, टारगेट क्या होगा, तो फर्स्ट टारगेट आपका जो है टारगेट वन जो होगा आपका 730 का, सेकेंड टारगेट इसका क्या होगा 765 का, थर्ड टारगेट आपका क्या होगा 795 का, फोर्थ टारगेट आपका क्या होगा 824 का। ये चार टारगेट आपको स्विंग में दिया गया है, पहला 730, दूसरा 765, तीसरा 795 और चौथा 824। ये तो आपका था सेफ ट्रेडर के लिए। अब आते हैं रिस्की ट्रेडर, रिस्की ट्रेडर क्या कर सकता है, तो रिस्की ट्रेडर यहां पे ये कर सकता है कि यहां पे रेसिस्टेंस लेते हुए दिखा और यहां जाकर के मार्केट होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, यहां पे या तो कोई पैटर्न का फॉर्मेशन करे या फिर कोई एक बुलिश कैंडल बन जाए, सपोर्ट लेते हुए दिखना चाहिए इस एरिया में 668 से 655 के बीच में सपोर्ट लेते हुए दिखे, या तो पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये दो कंडीशन बनाया, इस पैटर्न का जैसे ब्रेकआउट मिला आपका यहां पे बाई हो जाना चाहिए, या फिर कोई बुलिश कैंडल बना उसका जैसे ब्रेकआउट मिला आपका यहां पे एंट्री हो जाना चाहिए, मतलब कि यहां जो है एंट्री हो जाना चाहिए, ठीक है, ये दो तरीका से एंट्री आपका बनेगा, ठीक। ये आपका रिस्की ट्रेडर के लिए, ध्यान दीजिएगा ये जो है रिस्की ट्रेडर का है, ठीक है, तो ऐसे आपका एंट्री होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि एंट्री क्या होगा, ये है रिस्की ट्रेडर के लिए, ठीक है, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही होगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही होगा। अब इसका एंट्री कहां होगा, एंट्री कहां होगा, एंट्री है 668 से 655 के बीच में कोई भी चार्ट पैटर्न का जो है या कैंडल का, बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है, ब्रेकआउट हो जाए, उस परिस्थिति में आपका जो है यहां पर एंट्री बन जाएगा इस एरिया, ठीक है, ये वाले एरिया। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस कैसे होगा, मान लिया जाए बाई कर लिए, ठीक है, 655 के नीचे कोई भी कैंडल, रिस्की ट्रेडर का बता रहे, कोई भी कैंडल 655 के नीचे का एक घंटे के कैंडल का क्लोजिंग हो जाता है, मान लिया जाए बाई कर ली, वैसे परिस्थिति में 655 के नीचे का क्लोजिंग हो गया, ठीक, और जैसे क्लोजिंग हुआ उसके लो पर आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर लीजिए, यहां पे स्टॉप लॉस को प्लेस कर दीजिए, जैसे इसका लो ब्रेक करेगा वैसे ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये सिनारियो, ये है स्टॉप लॉस का, ठीक। तो स्टॉप लॉस का जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका कौन सा है, 655 के बिलो 1 आवर के कैंडल का क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट वन सेम टारगेट सेफ ट्रेडर वाला होगा 730 का, दूसरा टारगेट क्या होगा 765 का, तीसरा टारगेट आपका है 795 का,
चौथा टारगेट जो आपका होगा 824 का। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस स्टॉक को जाना है 900 तक, 900 तक बड़े आराम से इसको जाना है। अब है कि ये सब टारगेट आप लोग को इस चलते दिया गया है, ये सब टारगेट आपको इस चलते दिया गया है कि आप जो है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहे, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आप करते रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 900 का इंतजार आप कर रहे हैं और सारा का सारा वैसे ही पड़ा हुआ है, नहीं, यहां पे तो आपको जो है 70% आपको बुक कर लेना है। क्योंकि आप देखिए ना, आपका जो रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो है, रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो है वो कम से कम 1:3 का है, ध्यान दीजिएगा, 1:3 या 1:2.5 का है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका रिस्क और रिवार्ड रेशियो मेंटेन हुआ है, यहां पे जो भी आपका ट्रेड है उसमें मेंटेन है। तो आप लोग ट्रेड जो है ध्यान से देखिएगा, आप कौन सा ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर है या फिर रिस्की ट्रेडर है, ये आप ट्रेडर कौन सा है ये चीज को ध्यान दीजिएगा। आप अपना पैसा पर रिस्क उठाना चाहते हैं या सेफली आप खेलना चाहते हैं, सेफ के लिए इसके ऊपर क्लोजिंग मिले और हाई को ब्रेक हो जाए, रिस्की के लिए यहां पे कोई पैटर्न बने और उस पैटर्न का ब्रेकआउट हो, या बुलिश कैंडल बने और बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है। यहां पे दो सिनेरियो आएगा, मतलब आप यहां पर रिस्क ले रहे हैं अपने पैसा पे, ठीक है, रिस्क ले रहे हैं बड़ा टारगेट के लिए, ठीक है। यहां से उतना बड़ा टारगेट ठीक है मिल जाएगा, लेकिन रिस्की की अपेक्षा जो है आपको छोटा ही टारगेट ना मिलेगा। तो इस शब्द ध्यान दीजिएगा कि आप सेफ ट्रेडर हैं या रिस्की ट्रेडर हैं। आप यहां से भी उठा सकते हैं अगर सपोर्ट लेते हुए दिखे, आप यहां पर भी ब्रेकआउट अगर मिलते हुए दिखता है तो आप यहां भी उठा सकते हैं, बशर्ते कि जो कंडीशन हम बताए हैं, यहां पर जो सेफ का जो कंडीशन बताए हैं, यहां जो रिस्की का जो कंडीशन बताए हैं, उसी कंडीशन पर ट्रेड लेना है। उसके अलावे गिर, अब आप सोच रहे हैं कि नीचे आ गया तो अब हम ट्रेड उठाते, नहीं वैसा नहीं कीजिएगा। इसको अगर भागना है तो यहां पे ऐसे सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेकर के ब्रेकआउट देगा, या फिर यहीं से ब्रेकआउट देकर के ऊपर की ओर भागेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके ट्रेड में। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।